और आज कई सारे परफॉर्मेंसेस हो जाने के बाद ग्रैंड मास्टर इस वीक के बेस्ट परफॉर्मर को देंगे मारुति सुजुकी पैशनेट परफॉर्मर ऑफ द वीक का खिताब। चलिए देखते हैं कि आज यानी कंपटीशन के दूसरे हफ्ते मास्टर्स अपनी टीम से किस डांसिंग स्टार को डांस की कसौटी पर उतारते हैं। सबसे पहले अपनी टीम फिरोज की फौज से दो डांसिंग स्टार्स को डांस की कसौटी पर उतारेंगे मास्टर फिरोज। तो मैं चाहूंगा कि फिरोज की फौज प्लीज मंच पर आ जाए। और अब बारी है डांस की कसौटी की। मास्टर फिरोज आप बताइए कि आप लड़कियों में किसे डांस की कसौटी पर उतारना चाहेंगे? दोनों लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम लेना चाहूंगा वो है जूही। आप आगे आ जाइए, मैं आपको डांस की कसौटी पर उतारना चाहता हूँ। मास्टर फिरोज लड़कों में आप किसे नॉमिनेट करेंगे? चाओ आपको। आशुतोष बिकी एंड सपना कांग्रेचुलेशंस, आप सुरक्षित हैं, आप अपनी जगह पे जाके बैठ सकते हैं। चाओ और जूही आप डांस की कसौटी पर है, सो आप बैक स्टेज जाएं और अपने परफॉर्मेंस की तैयारी करें। जोरदार तालियां हो जाए। और अब बारी है डांस की कसौटी पर उतारे गए डांसिंग स्टार्स के सोलो परफॉर्मेंसेस की। तो पेश है फिरोज की फौज से द फ्लाइंग प्रिंस चाओ। All the best. Thank you, sir. Thank you so much. Mere bina main rehne laga hoon, teri hawa mein behne laga hoon. जाने में कैसे तेरा हुआ हूँ, मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। हाँ तुझको जो पाया तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए थम जाए बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। पहले से ज्यादा मैं जी रहा हूँ, जब से मैं तेरे दिल से जुड़ा हूँ, राहों पे तेरी मैं तो चला हूँ, तू मेरी मंजिल है तेरे कदमों पे बस रुकने लगा हूँ। तुझको जो पाया तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए थम जाए बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। चलिए जानते हैं मास्टर से, और सबसे पहले जानेंगे उन्हीं से जिनके लिए आपने ये पूरा परफॉर्मेंस दिया है, इतनी मेहनत की है। सो मास्टर श्रुति चाओ, आप जब भी स्टेज पे आते हो दिल से एक लाइन निकलती है, पोएट्री इन मोशन। थैंक यू सो मच। आपके एक्सटेंशंस, आपके पिरुएट्स, आपके आपका बैक वॉकर और पॉइंट, ऑल दैट वॉज नाइस। आई ट्रूली एंजॉयड योर परफॉर्मेंस, सिंपल नीट परफॉर्मेंस। थैंक यू सो मच। आपके पिरुएट्स के लिए मैं फिर से मैं भी तारीफ करूंगा कि आपने जो आला सा कौन लिया ग्रैंड पिरुएट। तुझको जो पाया उसमें आपने एक अलग सा पोस्चर दिया, तो वो बहुत नया था हमारे लिए। बाद में आपने एक लीप लेते गए, कंटिन्यूस थ्री लीप्स, टू लीप्स लिया आपने ना, थ्री लिया, तीनों भी 180 नहीं था। फिरोज सर
उसने ऐसा ही सेट किया था लाइक यू हैव ऑलरेडी डन 180 जस्ट मेक इट हाफ बिकॉज 180 इज पॉसिबल फॉर यू बट ट्राई समथिंग एल्स बट इफ देयर इज अ मूवमेंट कॉल्ड दिस एंड इफ आई डू इट लाइक दिस एंड इफ आई से के मैं कुछ नया करना चाहता था तो ये दूसरों के लिए इनकम्प्लीट होगा बिकॉज लीप इज 180 एक्सप्रेशन थोड़ा और आई वॉन्टेड मोर विद द सॉन्ग के तुझको जो पाया मतलब दैट एंड इट वॉज तुझको जो पाया दैट इट वॉज स्वीट ऑल द बेस्ट वो जो एक सूफियाना अंदाज होता है ना किसी का एकदम मलंग होके वो है चाओ जैसा अभी आपने कहा कि आपने 180 स्प्लिट क्यों नहीं किया उसके बाद में इनका एक फ्रंट वॉक ओवर है जो लैंडिंग करके आप वन लेग पे जाते हो अब ये लम्हा ठहर जाए थम जाए बस जाए हम दोनों के तो मैंने थोड़ा सा कम करवा दिया था ताकि वो लैंडिंग परफेक्ट परफेक्ट सो आई एम वेरी प्राउड बिकॉज आपके जो कूपे जटे जो टर्न्स थे आपके जंप्स जो थे वॉज वेरी वेरी नाइस सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच मास्टर्स सनी सर आप बताइए आपको चाओ का परफॉर्मेंस कैसा लगा आई थिंक इट वॉज ग्रेट अभी मैं कुछ ज्यादा कह नहीं पाऊंगा बिकॉज यू वर सो गुड इसकी मैं और तारीफ कहां तक लेके जाऊं मुझे नहीं मालूम बिकॉज फॉर मी पता नहीं अब मेरे को लगता है सब ऐसे ही हैं क्या सब इसी सुर पे हैं सब इसी सुर तो मैं यहां क्या कर रहा हूं अच्छा एक बात बताइए जब भी आप कुछ डांस के बारे में बोलते हैं आप गाते हैं जी ये आप कभी पूरा गाना गाएंगे क्या पूरा हाँ पूरा होल सॉन्ग आप कभी गाएंगे तो बता दीजिएगा क्यों हम उस तरह डिसाइड कर लेंगे हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे नहीं मतलब मैं मानता हूँ कि मैं बेसुरा गाता हूँ बट मैं डांस के बारे में मैंने बेसुरा नहीं कहा मैंने बोला आपने जो हिम्मत दिखाई जी एक बार नहीं बहुत बार ही आपने हिम्मत दिखाई गा के तो उस समय हम डिसाइड करेंगे हम यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे इतना आप पूरा गाएंगे हाँ दादा सब कम ले लेंगे एक दो लाइन तक ठीक है और मुझे मालूम है आप क्यों गा रहे हैं क्यों क्यों ये जो सामने मोहतरमा है ओ। इनको देख के इनकी पता नहीं गाना निकल ही आता है ये क्या अंदर की बात है हाँ सर आपने उठाया था ना जैसे एंट्री मारी थी ये दांत चबा रहे थे कुछ भी ये बाहर जाके तू अपने आप को थप्पड़ को मार रहा गॉड अभी देखा मैंने कि वो चाह रहा था कि आपने तो उठा लिया अब ये सामने जो है इसके सामने जाके बोलू कैसे फूक मारेगा तो उड़ के चला जाएगा नहीं नहीं सनी सर आप में और मुझ में एक सिमिलरिटी है क्या मैं आज बताना चाहता हूँ आपका हाथ 2.5 किलो का है और मैं पूरा 2.5 किलो का हूँ एनीवेज चाओ हम ये बताना चाहते हैं भाई कि यू आर अ ट्रीट टू वॉच यू आर अ रियली ट्रीट टू वॉच डांस और बाकी रहेगा नसीब की बात नेवर नो व्हाट हैपेंस ऑल द बेस्ट बडी एनीवेज मैं ये कहूंगा सर कमजोरी है ये जब जब लिफ्ट करता है तो ये कहीं ना कहीं ये छूट जाता है मतलब ये इरटा करके रुक जाएगा मैंने उन्हें कहा कि भाई हाथ में ताकत लाओ आपसे बेहतर कौन होगा उसको बता दे दी कि ताकत लाने के लिए क्या करना चाहिए क्या मैं क्या बताऊं पुशअप करवा दें हाँ पुशअप करवाते हैं चलिए लेकिन पुशअप भी अकेला नहीं करेगा हाँ, ये सबके सब सबके सब लड़के 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 दादा हाँ जी जय को भी बोलिए ना पुशअप कर अरे नहीं तो पता नहीं मालूम है आई विल डू इट ओनली इफ मास्टर मुदस्सर मास्टर फिरोज विल डू इट रेडी चलो 1 2 3 1 2 3 4 5 6
ज्यादा। सर आप तो प्लीज रुक जाइए, आपको चोट लगेगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सनी सबसे अच्छा किया मुदस्सर ने, आपने देखा हाथ लगाया करी तो मुंडी ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसा मत बोलिए ग्रैंड मास्टर, इतने अच्छे से वो कर रहे थे बेचारे और जय ने उनके ऊपर ऐसे वेट लगा रहे हैं। इन्होंने मुझे दोनों पैर मेरे ऊपर रख दिया था फिर भी मैंने मारा कम से कम बाद में। शुरुआत हमने की था रखा और नहीं 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 एक मिनट, सबसे पहली बात है डिप्स सर ऊपर रख के मारते हैं तो इसलिए मैं सर ऊपर रख के मारा था। अच्छा आप ये भी मुझे सिखाओगे हमें? नहीं दादा तो मैं समझ नहीं, मैं मतलब बता रहा हूँ कि आई मीन इसलिए तेरा नाम ऐसे मसूर दाल रख दिया मैंने। दादा बात यहाँ तक पहुँच चुकी है, मेरे को लगता है आप लोग यहाँ जरा लड़िए, हम लोग जब बैठ के वहां तमाशा देखते हैं। अरे